के अलग अलग हिस्सों से आप बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों की धुनाई की खबर काफी देख और सुन रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक असली बच्चा चोर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज धनबाद रेल पुलिस ने जोधपुर हावड़ा और जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन से 4 अंतरप्रांतीय बच्चा चोरों को पकड़ा है। ये ट्रेनों से बच्चे को चुरा कर उसकी हत्या कर उसके अंगों को बेचने का काम करते थे। तेलंगाना की अंजू गिरी और गया के अनिल वैद, हनीफ तथा बहरा, ये वो अपराधी हैं जो ट्रेनों से बच्चों को चुरा कर उनके अंगों को बेचते थे। इनके हाथ जो बच्चा लगा उसकी लाश ही पुलिस को मिलती थी, वो भी चीथड़ों। चलिए हम आपको पुलिस की उस पूछताछ का वीडियो दिखाते हैं जिसमें इन अपराधियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। चलो तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम आओ आगे, तुम आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अनिल सर। अनिल, हाँ। क्या करता है तुम? तुम क्या करता है? आज क्यों पकड़ाया है? आज क्यों पकड़ाया? आज बच्चा पब्लिक पकड़ा था तुमको? हाँ। पब्लिक क्यों पकड़ा था? क्यों पकड़ा था? उठा के। हाँ। उठा गई। हाँ। इसको? हाँ। देता है? दे दिया था। क्या करता है वो बच्चे का? तुम उठा के दिया था बच्चा? ये दिया था सर। तो कब दिया था? आज। आज बच्चे को चोरी करके इसको देते हो, ये बच्चे का क्या करता है? ये? हाँ। क्या मुंह से बोल? पेट काट के किडनी निकलता है? हाँ। अच्छा कहाँ पर बेचते हो? कहाँ पर बेचते हो? गया। गया में? गया में कौन जगह पे बेचते हो? इमलिया मोड़। इमलिया मोड़ वहाँ देता है ये सर। यही देता है? हाँ। अच्छा देता है। सही बोल रहा है? सही बोल रहा है। इमलिया मोड़ कौन मेडिकल हॉस्पिटल, कुछ नाम पता है? इमलिया मोड़ कहाँ है? सिकरिया मोड़। कौन डॉक्टर है? किसको बेचते हो? किसको देते हो? क्या नाम है? लक्ष्मण गिरी। रमेश गिरी। तिलैया में? अभी भी तिलैया में है। उसका छोटा मोटा डिस्पेंसरी है कुछ, क्या दवा खाना टाइप का या कुछ इस तरह का? इमलिया मोड़ में जानता है सर। चल सब लोग चोरी किया है, स्वीकार कर रहा है? सब लोग इसके साथ मिला है, बच्चा चोरी में स्वीकार कर रहा है? हाँ सर। दोबारा करेगा? दोबारा करेगा? अरे बच्चा चोरी नहीं सर। अब तक कितना बच्चा चुराया तुम? तीन बच्चा। तुम रे? तुम तीन हो? तुम रे तीन हो? एक बच्चे पे कितना पैसा तुम लोग को मिलता है? 20,000। ये जाता है इसमें। तुमको कितना मिलता है? तुमको कितना मिलता है? 20,000 लाता है ना? हाँ। इसमें 5,000। ये वैसे बेरहम अपराधी हैं जो महज 20,000 रुपए के लिए माँ बाप से उनके बच्चे को न सिर्फ अलग कर डालते हैं बल्कि उन बच्चों के अंगों को निकाल कर बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन मिली कि 29-88 में फ्रंट SLR में कुछ जो है दो लड़के बैठे हुए हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पे हमको लगा कि जो है पार्सल थिफ्ट करने वाले होंगे, वो प्लाई कट करके जो अंदर घुस जाते हैं। तो मैं तुरंत इंस्पेक्टर धनबाद को फ़ोन किया, उनका आप पर्सनली जो है ट्रेन को अटेंड करिए। इन्होंने अटेंड किया, इन लोगों को पकड़ा, इसके बाद पकड़ के लाया। जो है पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मतलब सुन के बड़ा ताज्जुब है, क्योंकि यूपी में अभी कल न्यूज में सुन रहा था ऐसी घटनाएँ बहुत हो रही हैं। तो इसको लेकर के हमको ये हुआ, फिर मैं भी आया, इनको इंट्रोगेट किया। तो इनका बहुत लंबा गैंग है, जो तो अभी बता रहे हैं कि इधर बिहार झारखंड इस सब में काम कर रहे हैं। वो जांच में आएगा, सभी लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा केस है इनका। इतना ये गंभीर अपराध ऐसा जो है कि बच्चों को पकड़ना और उनको
मारना फिर किडनी निकालना, मतलब ये बहुत ही गंभीर तरह का अपराध है, इन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे हम लोग जैसे जीआरपी को इनको हैंडओवर कर रहे हैं, जीआरपी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जिनका जिनका नाम ये बता रहे हैं कौन डॉक्टर को देते थे और कौन इन्वॉल्व हैं, कई लोग हैं इसमें, काफ़ी लंबी गैंग है इनकी, वो सभी लोग जो है पकड़े जाएंगे। इनके गिरोह में 18 ऐसे हैवान हैं जो इस जघन्य अपराध को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम देते हैं। इस गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन इस गिरोह के बाकी 14 अपराधी अभी भी देश के अलग अलग ट्रेनों में इस अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये अपराधी फिलहाल 3 बच्चों को चुरा कर उसके अंग बेचने की बात कबूल कर चुके हैं। 4th सदस्य बच्चे को चुराने ही वाला था कि वो पकड़ा गया। न्यूज़ डेस्क।